खमंगणी किसान साथियों, मेरा नाम गमेर सिंह रणावत है और आप देख रहे हैं खेती किसानी यूट्यूब चैनल। किसान साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फ्री में सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन जरूर दबाएं। किसान साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सोयाबीन में कितनी मिट्टी है, यानी कि सोयाबीन में 50% यहाँ पर कचरा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यानी कि मेरे हाथ में जो सोयाबीन है उसमें 50% पूरे मिट्टी से भरे हुए हैं। अब होता यह है कि सोयाबीन को अगर अपन बेचते हैं तो इस सोयाबीन का भाव इतना नीचे चला जाता है या फिर कोई खरीदने के लिए तैयार भी नहीं होता है। जैसा कि अगर सोयाबीन का भाव 40 रुपये किलो है तो इसका भाव ये 10 से 15 रुपये किलो ही बताएगा। लेकिन आज जो किसान का जुगाड़ बताने वाला हूँ मैं, बहुत ही ज़बरदस्त जुगाड़ है और इस जुगाड़ से इसके यानी कि जो लाखों रुपये का जो काम होता है ना, वो यहाँ पर कुछ ही रुपए में काम हो रहा है यहाँ पे। तो एक बार देखते हैं अपन लाइव कि वो जुगाड़ क्या है। जैसा कि मेरे पीछे की साइड में एक जुगाड़ दिखाई दे रहा है, जो यानी कि इतना बड़ा जुगाड़ है। अब इस जुगाड़ में कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है देखने पे कि कुछ अलग से मतलब कुछ ऐसा किया, लेकिन फर्स्ट में जो बनाया होगा उस बंदे ने कितना सोचा होगा और कितना सोच समझ के, वास्तव में ये किसान इंजीनियर कहलाएगा यहाँ पर, एक ऐसा जुगाड़ तैयार किया जिसमें ऊपर से सोयाबीन डालेंगे और जैसे जैसे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर एक तरफ ये कचरा निकल जाएगा और दूसरी तरफ जो साफ सोयाबीन है वो निकल जाएगा यहाँ पर। तो देखते हैं अपन इसको कैसे ऑपरेट करते हैं और कितनी सफाई के साथ सोयाबीन निकलती है। एक बात का ध्यान रखना, इसमें सिर्फ ये सोयाबीन के लिए है। ऐसा नहीं है कि इसमें आप गेहूं भी साफ कर सकते हैं, आप इसमें चना भी साफ कर सकते हैं, नहीं, सिर्फ सोयाबीन ही साफ होगी। हाँ, मार्केट में काफ़ी सारी मशीनें हैं जिसमें आप सोयाबीन, मक्का, गेहूं, बाजरे, जो चाहे वो अनाज साफ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो सोयाबीन ही साफ होती है इसमें। और ये मार्केट में कहीं पर भी मिल सकती है जहाँ पर ये टीन शेड का वगैरह काम करते हैं, जैसे बक्से वगैरह तैयार करते हैं, चद्दर से बनी हुई है, यानी कि जहाँ पर चद्दर का काम होता है वहाँ पर आप बनवा भी सकते हैं और बनी बनाई भी मिल जाती है। और अप्रोक्सली ये कॉस्ट लगभग 4-5 हज़ार के बीच में पड़ती है, जैसे मतलब आप लोग उसके हिसाब से मिल जाती है। तो चलिए देखते हैं एक बार अपन इसको लाइव कैसे ये साफ सफाई करती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ से यहाँ पर ये हुपर है, हुपर में जैसे ये तगारी भर के और जो सोयाबीन है उसमें डाल रहे हैं, यहाँ से हुपर के ऊपर से सोयाबीन डालना है, यानी कि इतने ऊपर है आपको कहीं ऊपर चढ़ के फिर डालना है, इसमें डाल दीजिए। अब इसको डालने के बाद अब नीचे से यहाँ पर थोड़ा सा इसका मुंह खोलना है नीचे से, तो ये मुंह इसका खोल दिया। बस मुंह खोलने के बाद बस ये चालू हो गया है और चालू होते ही यहाँ पर निकल रहा है ये कचरा और उस साइड निकल रही है अच्छी खासी सोयाबीन। अभी देख पा रहे हैं आप, बहुत ही अच्छा है, देख लीजिए आप, इतना सारा कचरा निकल रहा है इसमें। पास में आके दिखाता हूँ मैं थोड़ा आपको। तो दोस्तों, आपने ये लाइव देखा है कि कैसे साफ सफाई हो रही है सोयाबीन की। सीधा तगारी भरी और इस ऊपर में डाली और नीचे आते आते दो भाग हो गए, एक तरफ हो गया कचरा और दूसरी तरफ हो गई साफ, बिल्कुल साफ सोयाबीन। अब इसमें ना तो कोई डीजल लगा है, ना कोई पेट्रोल लगा है, ना कहीं यूनिट बने हैं, यानी कि ये किसी मोटर से ऑपरेट नहीं हो रही, किसी इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट नहीं हो रही है, मैन्युअली ऑपरेट हो रही है सीधी। और इतना ऐसा नहीं है कि हाथ से घुमाना पड़ रहा है, सीधा ऊपर डाला और ऐसी सेटिंग है जो नीचे जाते जाते दो भाग हो जाते हैं, हल्का जो होता है कचरा वगैरह एक साइड हो जाता है और सोयाबीन अलग हो जाती है। यहाँ पर एवरेज ये निकला है कि जैसा कि अभी आप देख रहे हैं 50 से 60% इसमें कचरा है, मिट्टी है, तो इसको साफ सफाई में लगभग देख लीजिए 1 घंटे का और 1 से 1.5 क्विंटल सफाई हो रही है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर 10 से 20% ही वैसे कचरा होता है तो एवरेजन 2 से 3 क्विंटल 1 घंटे की सफाई कर सकती है ये मशीन। मार्केट में कहीं से भी आप खरीद सकते हैं, जहां पर ये चद्दर का काम वगैरह होता है वहां से भी आप खरीद सकते हैं, और अगर बनवाना चाहते हैं तो बनवा भी सकते हैं आप इस मशीन को, और मार्केट में वैसे बनी बनाई भी मिल जाती है मात्र 4 से 5 हज़ार रुपये में।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मशीन पसंद आई हो या फिर ये वीडियो पसंद आया हो तो कर दीजिए लाइक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में ही बेल आइकन जरूर दबाना, और कोई भी आपके सवाल हो तो कमेंट कर दीजिए, तो हम आपके साथ हमेशा तैयार हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।